नमस्कार सभी को, सक्षम के ऑनलाइन सेशन में सभी का स्वागत है। यूपीएससी की सीटीएस और एनडीए की परीक्षा 10 तारीख को है, रविवार को है, और उसी संदर्भ में आज का हमारा यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें हम आज कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो ज्योग्राफी में आ सकते हैं। सीडीएस और एनडीए दोनों में, दोनों परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है समय समय पर हमें देखने को मिले हैं, और उसी से जुड़े या उसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को लेकर ये वीडियो आपके सामने है। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन क्वेश्चन एंड आंसर आपका सेशन है। इसमें कुछ आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और उसके साथ कुछ आंसर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एवरेज रेंज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन द सी वाटर सैलिनिटी। पहला प्रश्न ये बोलता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन उस वर्ल्ड वाइड एवरेज ऑफ सैलिनिटी को आपका शो करता है जो समुद्रों में पाई जाती है। शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो समुद्रों में जो वैश्विक लवणता पाई जाती है वो आम तौर पर किसके बीच में रहती है। तो इसका अगर हम देखें वैश्विक लवणता की, अगर हम बात करें तो वैश्विक लवणता हम देखें, अगर आपने जैसे बहुत सारे सोर्सेज में आपने पढ़ा होगा, तो वैश्विक लवणता की जो दर है 35% है। तो अगर 35% वैश्विक लवणता की दर है तो उसके अनुसार जो इनमें से सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा ए। आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वेरिएशन ऑफ एवरेज सैलिनिटी जो रहता है ओशंस में वो कितना रहता है। तो कितना आंसर होगा आपका, 34% से 37% के बीच में आपका रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करेंट्स इन द इंडियन ओशन। निम्न में से कौन सा एक कारण है जिसकी वजह से हम हिंद महासागर में लगातार धाराओं के प्रवाह को बदलता हुआ देखते हैं। जो करंट या आपकी धाराएं आपकी चलती हैं वो लगातार अपना रास्ता या अपनी दिशा में परिवर्तन क्यों करती हैं। ठीक है, दोबारा देख लेते क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो रेगुलर चेंज ऑफ करंट्स होता है उसका कारण क्या है। इंडियन ओशन इज हाफ ओशन, हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। इंडियन ओशन हैज मॉनसून ड्रिफ्ट, हिंद महासागर में मॉनसून ड्रिफ्ट रहता है। इंडियन ओशन इज लैंडलॉक्ड ओशन, जो हिंद महासागर है वो एक भूभद्ध महासागर है। और इंडियन ओशन हैज ग्रेटर वेरिएशन इन सैलिनिटी, हिंद महासागर में लवणता में बहुत सारे बदलाव या बहुत सारे आपके विभेद देखने को मिलते हैं। सो हम ये देखें, और हमने ये पढ़ा है बहुत सोर्सेज से, हम जानते हैं कि हिंद महासागर का हिंद महासागर भारत के दक्षिण में आपका हिंद महासागर अवस्थित है, और भारत के इस दक्षिण में हिंद महासागर के अवस्थित होने पर हम ये देखते हैं कि जो उत्तरी आपका क्षेत्र है ये 0 डिग्री है, ये है हमारा भारत। ठीक है, ये आपका इंडिया है, इसके नीचे आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। और हम ये देखते हैं कि भारत में जो आने वाला मानसून है, जो ये वाला आपका क्षेत्र है, इन क्षेत्र में, इस एरिया में मानसून विंड्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। मानसून विंड्स जो हैं इस क्षेत्र की हवाओं को, विंड को और करंट को आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, और यही कारण है कि ओशन करंट में हमें लगातार चेंजेस होते हुए नज़र आते हैं। किसमें, इंडियन ओशन में। हिंद महासागर में अगर हम देखें कि लगातार अगर ओशनिक करंट में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, अगर हम ये कहें कि इंडियन ओशन में करंट्स में हमें इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को क्यों मिलता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इंडियन ओशन में मॉनसून ड्रिफ्ट, मॉनसून पवनों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपका रहता है, जिसकी वजह से उसके करंट्स में लगातार डिविएशन होता रहता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सी वर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंटल एज इज कॉल्ड। जो एक समुद्र की तरफ कॉन्टिनेंट का निकला हुआ भाग होता है समुद्र की तटीय रेखा के साथ, वह क्या कहलाता है। ठीक है, सी वर्ड जो एक्सटेंशन होता है लैंड का, समुद्र की तरफ जो निकला हुआ भाग रहता है लैंड का, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या हम उसको कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं, क्या उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, क्या उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। अगर हम समुद्र की बात करें, आपसे पूछा गया है बेसिकली कि ओशनिक रिलीफ का वो हिस्सा जो ओशंस की तरफ निकला रहता है कॉन्टिनेंट का, वो क्या कहलाता है। तो क्यों ना हम ओशनिक रिलीफ को ही एक बार देख लेते हैं दोबारा से। तो ओशनिक रिलीफ जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से कुछ इस तरह के ओशनिक रिलीफ नज़र आते हैं।
अगर हम देखें तो ये हो गया आपका बीच, इसको आप कहते हैं बीच। बीच के बाद एक डिग्री से लेकर 3 डिग्री के एंगल तक जो कर्व होता है, ये वो हिस्सा है ज़मीन का जो समुद्रों की तरफ लटका रहता है, इसको हम कहते हैं शेल्फ। ये कहलाता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसके बाद जो इस तरह की ढाल है इसे हम कहते हैं स्लोप। स्लोप के बाद जो ये वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं प्लेन, एबेसिल प्लेन इसको कहा जाता है। ये जो आपके समुद्र के अंदर पाए जाने वाले ओशनिक जो फ्लोर में आपके हिल्स पाए जाते हैं या पर्वत पाए जाते हैं, उनको सी माउंट या रिजेस का नाम दिया जाता है। और ऐसी रिजेस जो ऊपर से प्लेट्यू शेप में होती हैं, पठार नुमा होती हैं, उनको हम कहते हैं गुयाट। ठीक है, तो उस ओशन के फ्लोर में पाए जाने वाले जो पर्वत होते हैं उनको हम रिजेस कहते हैं, कटक कहा जाता है हिंदी में। और जो रिजेस ऊपर से पठार नुमा होते हैं, चपटे होते हैं, समथल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गुयाट कहते हैं। एक ऐसा भाग जो समुद्र से बाहर निकला रहता है इसको हम कहते हैं वॉल्केनिक आइलैंड, ज्वालामुखी द्वीप इसको कहा जाता है। ये क्या है आपका, वॉल्केनिक आइलैंड है। और जो आपकी गहरी खाइयाँ पाई जाती हैं समुद्र के भीतर, इसको हम कहते हैं ट्रेंच। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। एबेसिल प्लेन इसको कहा जाता है, जो ओशंस में बड़े बड़े जो आपके सी फ्लोर पाए जाते हैं, मैदान जो आपके पाए जाते हैं, उसको हम एबेसिल प्लेन कहते हैं। एबेसिल प्लेन के साथ कॉन्टिनेंट का लगा हुआ हिस्सा, यहाँ से इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइस। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि आपको पहले भी एनडीए सीडीएस में पहले भी ओशनिक रिलीफ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, कभी कभी वो पर्टिकुलर पूछ लेता है, ट्रेंचेस से क्वेश्चन उठाकर पूछ लेता है, आपके रिजेस से क्वेश्चन उठाकर पूछ लेता है, गुयाट से क्वेश्चन उठाकर आपका पूछ लेता है। तो ओशनिक रिलीफ को एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़कर जाएं, वहां से आपको बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर है यह है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि ऐसा जमीन का हिस्सा जो समुद्र की तरफ निकला रहता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसमें पूरे वर्ल्ड के 20% पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। जो आपका फॉसिल फ्यूल में जो आपका पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो कहां पर 20% के भंडार कहां पाए जाते हैं, इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाए जाते हैं। हिंदी में इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ को मग्न तट कहते हैं। हिंदी में इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हम क्या कहते हैं, मग्न तट कहते हैं। तो विश्व के 20% कच्चे तेल के भंडार कहां अवस्थित होते हैं, आपके मग्न तटों में अवस्थित आपके होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सूर्य की रोशनी की, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आगे आपके लिए क्वेश्चन में लेकर आया हूं इससे भी। सूर्य की रोशनी समुद्र के भीतर पहुंचती है केवल 200 मीटर तक। सूर्य की जो रोशनी है समुद्र के अंदर कितने मीटर तक पहुंचती है, 200 मीटर तक पहुंचती है। और जहां तक ये रोशनी पहुंचती है उसको हम यूफोटिक या फोटिक जोन कहते हैं। ठीक है जी, समुद्र की रोशनी, सूर्य की रोशनी समुद्र में 200 मीटर तक ही पहुंचती है। और ये 200 मीटर तक का जो क्षेत्र है, जो समुद्र की रोशनी से प्रकाशवान आपका होता है, जहां पर सनरेज आपकी एंटर करती हैं या पहुंचती हैं, ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, यूफोटिक या फोटिक जोन कहते हैं। और ऐसे एरिया जहां पर समुद्र की रोशनी या सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी, सनलाइट एंटर नहीं करेगी या सनलाइट नहीं पहुंचेगी, ऐसे जोन कहलाते हैं एल्फेटिक जोन। ऐसे जोन क्या कहलाते हैं आपके, एल्फेटिक जोन कहलाते हैं। ठीक है, तो यूफोटिक या फोटिक कौन सा जोन है, जहां पे सन रेज एंटर करेंगी, एल्फेटिक कौन सा जोन है, जहां पे सन रेज एंटर नहीं करेंगी। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्वेश्चन बोलता है कि सबमरीन माउंटेन और पीक रेजिंग मोर देन 100 मीटर्स अबव द ओशन फ्लोर इज नोन एज। अभी हम पीछे के डायग्राम में पढ़कर आए थे, क्वेश्चन ये बोलता है कि समुद्र के अंदर जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जो माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, ऐसे माउंटेन्स जो कितने मीटर ऊंचे हैं आपके, 1000 मीटर के ऊंचे हैं, लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे जो आपके माउंटेन्स हैं उनको सी माउंट, और ऑप्शन में ये आपको सी माउंट नहीं देगा, आसान हो जाएगा, ऑप्शन में आपको वो देगा रिजेस। हिंदी में रिजेस को कहा जाता है कटक। क्वेश्चन ये बोलता है कि समुद्र के भीतर या समुद्र के नितल में, ओशन के बेस में, जो भी आपके
पर्वत पाए जाते हैं या पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, आपके रिजेस कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन चैलेंजर रिज इज लोकेटेड इन। डॉल्फिन चैलेंजर रिज, रिज का मतलब अभी हम पढ़कर आए हैं, रिज का मतलब क्या होता है, रिज का मतलब होता है कटक, हिंदी में कटक और इंग्लिश में सी माउंट्स, यानी कि ऐसे समुद्री पहाड़ जिनकी ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर है। तो क्वेश्चन यह है कि डॉल्फिन चैलेंजर रिज कहां अवस्थित है, क्वेश्चन यह है कि डॉल्फिन चैलेंजर रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द ओशन फ्लोर्स, कौन से ओशंस में, कौन से ओशन में डॉल्फिन रिज आपकी अवस्थित है। तो हम देखें कि अटलांटिक जो ओशन है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है, देखिए यह है आपका अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन के बीचों बीच जिस शेप का अटलांटिक ओशन है उसी शेप में एक बहुत लंबी क्या है, रिज आपकी मौजूद है, एक बहुत लंबी क्या है, रिज मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिड अटलांटिक रिज, ठीक है जी। इस रिज को या इस पर्वत श्रेणी को या ये जो आपके कटक हैं इनको हिंदी में कहा जाता है मध्य अटलांटिक कटक, क्या कहते हैं, मध्य अटलांटिक कटक इसको कहते हैं। नाउ ये कटक जो है दो भागों में बटा हुआ है, ये कटक जो है नॉर्थ और साउथ में बटा हुआ है, जो नॉर्थ का हिस्सा है इस कटक का वो कहलाता है डॉल्फिन, जो नॉर्थ का हिस्सा है इस कटक का वो क्या कहलाता है, डॉल्फिन, और जो साउथ का हिस्सा है इस भाग का वो कहलाता है चैलेंजर, ठीक है, क्लियर हो गया। अटलांटिक ओशन के बीच में देखो, अटलांटिक ओशन कहाँ है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये है आपका यूरोप, तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में क्या है आपका, अटलांटिक ओशन है। इस अटलांटिक ओशन में बहुत लंबी एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज है जिसको हम रिज कहते हैं, ऐसी माउंटेन रेंजेस जो अंडर वाटर होती हैं, सबमरीन होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिजेस कहते हैं। तो ये बहुत जो लंबी रिज है इसको हम क्या कहते हैं आपका, मिड अटलांटिक रिज, क्योंकि ये अटलांटिक के कहाँ है, बीचों बीच है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, मिड अटलांटिक रिज का नाम दिया गया है। तो इसका जो उत्तरी भाग है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसको हम डॉल्फिन रिज कहते हैं, और जो दक्षिणी भाग है इसको चैलेंजर रिज कहते हैं, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखिए यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ पर क्या है, ग्रीनलैंड है। एक और क्वेश्चन आता है कि विल थॉम्सन कटक कहाँ है, तो विल थॉम्सन कटक यहाँ है, ठीक है जी। विल थॉम्सन कटक भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो विल थॉम्सन कटक कहाँ है, ग्रीनलैंड के साउथ में है, डॉल्फिन रिज के नॉर्थ में है, ठीक है। तो डॉल्फिन रिज कहाँ पर है आपका, अटलांटिक ओशन में है, और ये कौन सा हिस्सा है अटलांटिक ओशन का, नॉर्थ हिस्सा है, नॉर्थ रिज का जो हिस्सा है अटलांटिक ओशन का उसको हम क्या कहते हैं, डॉल्फिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज पार्ट्स ऑफ ओशन फ्लोर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जिसका डायग्राम हमने अभी बनाया था। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपके सामने जो गिवन लैंडस्केप है, ठीक है, आपके सामने क्या है, जो गिवन लैंडस्केप है उनको लगाइए, क्रम में लगाना है आपका, अरेंज आपका करना है किस ऑर्डर में, आप कोस्ट से समुद्र के अंदर जा रहे हैं, आप तट से समुद्र के भीतर जा रहे हैं, तो सबसे पहले पहले कौन सा आएगा, चलिए देखते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, तो शेल्फ से जो आंसर स्टार्ट होते हैं पहले उनको देखेंगे, तो इनको तो आप हटा देंगे, किसको हटा देंगे, एक ये और ये, इसको तो हम हटा दें, क्यों, क्योंकि पहला जो आपका लैंडस्केप होता है हमने पढ़ा था वो क्या होता है, शेल्फ होता है, शेल्फ वही है जिसे हमने मगन तट कहा था, शेल्फ वही है जहां पर हमें वर्ल्ड के 20% क्रूड ऑयल के रिजर्व मिल रहे थे, तो क्या होता है पहला, शेल्फ। तो इसमें कॉन्टिनेंटल राइज है तो मतलब ये गलत हो गया, इसमें कॉन्टिनेंटल स्लोप है तो ये भी गलत हो गया। छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, देखो ये शेल्फ होगा, ये स्लोप होगा, और ये वाला जो हिस्सा होगा ये राइज होगा, कॉन्टिनेंटल राइज होगा, ये प्लेन होगा, और फिर यहाँ पर ट्रेंच वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो इस हिसाब से चलते हैं, सबसे पहले हमने देखना है कि सबसे पहले ऑप्शन के कौन से ऑप्शन ठीक हो सकते हैं जिनमें पहला पॉइंट क्या हो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, तो वो कौन से पॉइंट हैं, बी और सी हैं। तो हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ ठीक है, पहला क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। फिर वो बोलता है कॉन्टिनेंटल राइज, तो कॉन्टिनेंटल राइज कहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब इसके बीच की ये हिस्सा मिसिंग है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा वाला, तो देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ
ठीक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर बोलता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है जी ये जो ये ढलान है इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर बोलता है कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है जहाँ पर प्लेन और ढलान आपस में मिलते हैं, जहाँ पर अबैसल प्लेन और कॉन्टिनेंटल स्लोप आपस में मिलते हैं उस हिस्से को कहते हैं हम राइज, तो ठीक है जी कॉन्टिनेंटल राइज। और हो गया डीप सी प्लेन यानी कि अबैसल प्लेन की बात हुई, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, सी आंसर आपका क्या है सही है। तो सबसे पहले क्या होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, फिर स्लोप होता है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज होता है, और फिर क्या होता है आपका डीप सी प्लेन होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन में पूरा डायग्राम से इसको पढ़कर समझा था। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप दोबारा से वीडियो के उस पार्ट में स्किप कर जाएं, उसको देख लें और उसके बाद इस क्वेश्चन को करें, ठीक है तो आपके लिए और आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए करंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। करंट क्या है, देखिए करंट जो होती है ये, इसको हम अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाऊं तो वाटर का एक पर्टिकुलर स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना ही करंट कहलाता है। और ये जो करंट है ये ओशंस में आपके चलते हैं। करंट के तीन टाइप हैं। जब आपके वाटर का डिस्प्लेसमेंट यानी कि पानी का एक दिशा में बहना बहुत कम स्पीड से होता है तो उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, यानी कि वाटर क्या हो रहा है आपका ड्रिफ्ट हो रहा है। जब ड्रिफ्ट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं करंट, जब ड्रिफ्ट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं करंट। ड्रिफ्ट को कहते हैं हम प्रवाह, करंट को हम कहते हैं धारा। और जब करंट में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, उसका स्पीड या उसका वेग बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये कहलाता है आपका स्ट्रीम। क्या कहलाता है आपका स्ट्रीम, ठीक है जैसे कि आपने सुना है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम में आपसे काफ़ी बार गल्फ स्ट्रीम पूछा जाता है, ठीक है समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, ठीक है। और जो स्ट्रीम होते हैं इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है दो टाइप का होता है, एक होता है वार्म करंट और एक होता है कोल्ड करंट। बड़ा सिंपले वे में आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसे करंट्स जो इक्वेटर से पैदा होते हैं ज़्यादातर वो वार्म नेचर के होते हैं। जितने भी करंट्स कहाँ से पैदा होंगे, इक्वेटर से पैदा होंगे, वो कैसे होंगे आपके गर्म होंगे। जितने भी करंट्स आपके पोलर रीजन से या पोलर रीजन के आसपास पैदा होंगे वो कैसे होते हैं, कोल्ड करंट होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। जैसे कि मैं भी एग्जांपल में बात कर रहा था कि गल्फ स्ट्रीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके एनडीए में पुटअप किया गया था। तो क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, अ कोल्ड करंट अटलांटिक ओशन, अ कोल्ड करंट पैसिफिक ओशन, अ वार्म करंट इन अटलांटिक ओशन, अ वार्म करंट इन पैसिफिक ओशन। तो देखो गल्फ स्ट्रीम जो है ये अटलांटिक ओशन में बहने वाला एक गर्म करंट है, वार्म करंट है। और अब अपने इस कैरेक्टरिस्टिक के कारण से ही इसको ब्लैंकेट ऑफ यूरोप का नाम दिया जाता है। बड़ा सिंपलेस्ट वे में आपको मैं समझाता हूँ। वार्म करंट जो गल्फ स्ट्रीम है ये यूरोप के बंदरगाहों पर गर्म पानी को लेकर पहुँचता है। ये वो समय है जो पूरा का पूरा यूरोप भयंकर सर्दी की चपेट में है, पूरे के पूरे बंदरगाह आपके फ्रीज हो गए हैं ठंड के कारण। और जब ये गर्म जल इन बंदरगाहों पर पहुंचता है तो यहां पर जमी बर्फ को ये जो आपका करंट है ये पिघलाता है और ये कंबल की तरह ये काम करता है। जैसे कंबल में गर्मी आपके आ जाती है तो उसी तरह यूरोप में भी ये गर्मी को लेकर जाता है। इसके साथ साथ ये आपका जो वेस्टर्न यूरोप है, जो पश्चिमी यूरोप है, वहाँ पर शीतकालीन वर्षा भी करता है, ठीक है आपका रेन वगैरह भी आपका करवाता है वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये एक वार्म करंट है अटलांटिक ओशन में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अब्रप्ट चेंज ऑफ ग्रेडियंट एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शिफ्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन। आपसे ये पूछा गया है कि जब कॉन्टिनेंटल शिफ्ट आपका हुआ था उसकी वजह से समुद्र में कुछ बदलाव आए थे जिसकी वजह से एक नई स्थलाकृति का निर्माण हुआ था, वो स्थलाकृति क्या है। देखो नई स्थलाकृति क्या है, अगर सिंपल भाषा में पीछे मैं आपको बताकर आ चुका हूँ तो ग्रेडियंट चेंज से क्या बनेगा आपका, कॉन्टिनेंटल राइज होगा, कॉन्टिनेंट का उत्थान हुआ है, ठीक है जी। पिछले जो हमने डायग्राम्स बनाए हैं वो डायग्राम आप देख लें तो वहां पर आपको कॉन्टिनेंटल राइज मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
कि व्हाट इज द ट्रायंगुलर लैंडमास दैट फॉर्म्स एज एट इट्स माउथ व्हेन अ रिवर स्प्लिट्स इनटू सेवरल ब्रांचेस बिफोर एंटरिंग द सी. जब नदियां अपने मुहाने पर कई शाखाओं में बंटकर समुद्र से मिलती हैं तो उसके मुहाने पर एक लैंडस्केप, एक स्थलाकृति का निर्माण होता है. उस स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, उस लैंडस्केप को हम क्या कहते हैं, यानी कि जब रिवर्स अपने माउथ पर, माउथ कहाँ पर होता है, देखो जहाँ से रिवर समुद्र में मिलती है उसको माउथ कहते हैं, जहाँ से रिवर निकलती है उसको ओरिजिन कहते हैं. तो जब नदियाँ समुद्र से मिलती हैं तो अपने मुहाने पर या अपने माउथ में वो एक ट्रायंगुलर लैंडस्केप बनाती हैं, ट्रायंगुलर स्थलाकृति का निर्माण करती हैं. इस ट्रायंगुलर स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, ठीक है. तो हमने बहुत बार सुना है और मेरे हिसाब से इस आंसर को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. इसका आंसर होगा आपका डेल्टा. तो नदियाँ कहाँ बनाती हैं, नदियाँ डेल्टा बनाती हैं जहाँ वो सागरों से मिलती हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ क्वेश्चन है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट व्हाट आर द थ्री मेन आइलैंड ग्रुप इन द पैसिफिक. वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए जो तीन मेन आइलैंड ग्रुप हैं पैसिफिक में, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है. तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हुए सबसे पहले आएगा मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और आपका पॉलिनेशिया, ठीक है. देखिए ये मैप बेस्ड आपका क्वेश्चन है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एटलस खोलें. उसमें ऑक्सफोर्ड का एटलस में आपका ऑस्निया करके एक आपका एक चैप्टर होगा, ऑस्निया आप खोलें. तो जैसे आप वो खोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको ये तीनों के तीनों नज़र आ जाएंगे पैसिफिक ओशन में, ठीक है. ये सारे के सारे क्या हैं, द्वीपों के समूह हैं, ठीक है. ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको अलग अलग नामों से आपका जाना जाता है. जैसे एग्जांपल दूं, पॉलिनेशिया में आपका जो आपका न्यूजीलैंड है, ये सारे के सारे आइलैंड आपके पॉलिनेशिया में आपके आते हैं. इसके अलावा यहाँ पर वनातू है, फीजी है, मार्शल आइलैंड है, ग्वाम आइलैंड है, ये सारे के सारे इन्हीं के आपके क्या हैं, पार्ट हैं. तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलें तो ये जो ग्रुप हैं, सबसे पहला ग्रुप है मेलानेशिया, फिर है माइक्रोनेशिया और फिर है आपका पॉलिनेशिया. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वन. देखिए यूफोटिक और फोटिक जोन वाला क्वेश्चन आ गया. तो हमने ये पढ़ा था कि यूफोटिक और फोटिक जोन कौन सा है, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ. देखिए सूर्य की रोशनी समुद्र के अंदर 200 मीटर तक एंटर करती है, ये हमने पढ़कर आए हैं अभी, है ना. अभी हमने पीछे ये पढ़ा था, सूर्य की रोशनी समुद्र के अंदर 200 मीटर तक एंटर करती है. जहाँ तक एंटर होता है वो जोन कहलाता है यूफोटिक या फोटिक जोन कहलाता है. जहां एंटर नहीं होगा वो क्या होगा, एल्फैटिक जोन होगा. कौन सा जोन होगा आपका, एल्फैटिक जोन होगा. आइए क्वेश्चन को देखते हैं. पहला बोलता है यूफोटिक जोन डू नॉट रिसीव सोलर रेज. ये बोलता है कि जो यूफोटिक जोन है वो सोलर रेज को रिसीव नहीं करता है. तो हम देखते हैं कि भैया यूफोटिक जोन तो सोलर रेज को रिसीव करता है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है. हमने क्या चूज करना है, राइट वन चूज करना है हमने, ठीक है. उसके बाद बोलता है एफोटिक जोन रिसीव सोलर रेडिएशन. अब देखो एफोटिक जोन तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका, गलत है. अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी ले लें और इसको एल्फेटिक भी हम मान लें तो भी एल्फेटिक जोन तो वो जोन है जहां पर रोशनी पहुंचती नहीं है. तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होगा, यानी कि इनमें से कोई सी भी स्टेटमेंट क्या नहीं है, ट्रू नहीं है. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. Identify the factor that are affected by ocean currents. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि समुद्र में जब एक दिशा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर स्पीड से जब कोई वाटर फ्लो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं. नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनमें से कौन सी एक चीज़ है जो ओशन करंट के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होती, प्रभावित नहीं होती. आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है. पहला ऑप्शन है टेम्परेचर. तो हमने पढ़ा था कि ये वर्षा करती है, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है. हमने पढ़ा था गल्फ स्ट्रीम जो थी आपका इंग्लैंड में पहुँच रही थी, यूरोप में पहुँच रही थी और वहाँ के टेम्परेचर क्या कर रही थी आपका, बढ़ा रही थी. जो ठंडा टेम्परेचर वहां पर था उसको क्या कर रही थी, ये स्ट्रीम आपका ठीक कर रही थी. तो यानी कि टेम्परेचर को भी करती हैं. प्रेसिपिटेशन हमने पढ़ा था कि पश्चिमी यूरोप में गल्फ स्ट्रीम क्या कर रही थी आपका, बारिश कर रही थी. तो उसका मतलब इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी होगा. आर्द्रता को भी आपका निमंत्रण आपका नियंत्रित करेंगी, कंट्रोल करेंगी. इसका मतलब क्या है कि ओशन करंट्स की वजह से टेम्परेचर इफेक्ट होता है, प्रेसिपिटेशन इफेक्ट होता है और ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट होता है. इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए ये है आपका लैब्राडोर करंट के बारे में.
आपने करंट से क्वेश्चन बहुत सारे आपको आएंगे, एनडीए सीडीएस दोनों को करंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, सीडीएस में ज़्यादा इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, एनडीए में आपको सीधे सीधे प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं, ये सीडीएस 2018 का क्वेश्चन है। द लैब्राडोर करंट इज कोल्ड करंट इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। लैब्राडोर जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो कहाँ बहती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बहती है, ठीक है। द फॉकलैंड करंट इज वार्म करंट दैट फ्लोड अलॉन्ग द चिली कोस्ट ऑफ साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो फॉकलैंड करंट क्या है, एक गर्म जलधारा है, एक वार्म करंट है जो चिली की कोस्ट पर बहती है। अब आपने ये बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। पहले तो ये स्टेटमेंट भी पढ़ना होता है कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इन दोनों स्टेटमेंट जो मेड किए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखें, ये आपने जरूर पढ़ लिया होगा। तो लैब्राडोर करंट जो है एक ठंडा करंट है जो कहाँ बहता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉकलैंड करंट जो है ये पहली बात तो ये एक वार्म करंट नहीं है, क्या है, कोल्ड करंट है। तो यानी कि स्टेटमेंट टू नंबर हो जाती है गलत। तो इसका मतलब केवल एक या पहली स्टेटमेंट ही क्या है आपकी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है। ध्यान रखें ये रिविजन क्लास है, प्रॉपरली इन धाराओं के बारे में हम आपको जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन सीडीएस की तो उसमें प्रॉपरली हम टॉपिक के थ्रू आपसे चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसमें आपकी कुछ आप पे करंट आप पे गिवन है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिए गए हैं कि ये कैसा करंट है। तो क्यूरोशिवो एक वार्म करंट है, बिल्कुल सही है। लैब्राडोर देखो अभी हम पीछे बढ़ कर आए कि कोल्ड करंट है, तो ये गलत है क्योंकि लैब्राडोर कैसा करंट है आपका, ठंडा करंट है अटलांटिक ओशन का। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लैब्राडोर इसका जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सी विदाउट हैविंग कोस्ट लाइन। तो हम देखते हैं कि सीडीएस एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैप बेस्ड भी आपका बनते हैं, मैपिंग बेस्ड बनते हैं। ये भी उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। आप देखें अपने एटलस में नॉर्थ अमेरिका खोलें और वहाँ पर आपको मिलेगा सार्गासो सी। तो सार्गासो सी एक ऐसा सागर है जहाँ की सागर की कोई भी बाउंड्री आपकी नहीं है। देखिए धाराओं का जो प्रवाह रहता है, जो ओशन करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन रहता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रहता है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो जब जो सार्गासो सी है वो यहाँ पर अवस्थित है, ऐसा मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली करंट है ये इसके चारों ओर से घूमकर निकल जाती हैं। इसका मतलब ये है कि कई वर्षों से इस जगह का पानी चेंज नहीं हुआ, कई वर्षों से सार्गासो सी का जो वाटर है वो चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जिस तरह हम देखते हैं कि कोई भी क्षेत्र में या कोई भी जगह में जब पानी बहुत दिन तक रुक जाता है तो वो सड़ जाता है और सड़ने की वजह से उस पर एक ग्रीन कलर की जो आपके शैवाल है, लाइकेन है या काई है, वो आपकी पैदा हो जाती है। तो उसी प्रकार की ग्रीन कलर की काई जो शैवाल है वो इस सार्गासो सी में पैदा हुई है और उसको मॉस कहा जाता है। सार्गासो सी में सार्गासो मॉस पैदा हुई है जिसके कारण इसका नाम सार्गासो है। सार्गासो सी में सार्गासो मॉस पैदा हुई है जिसके कारण इसका नाम क्या है आपका, सार्गासो है। इसको बहुत और नामों से बुलाया जाता है, सागर में बगीचा सो कहा जाता है क्योंकि पूरा काई वाला क्षेत्र है, हरा भरा आपका क्षेत्र है, इसलिए इसको सागर में बगीचा के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सागर है जिसकी कोस्ट लाइन नहीं है, तो कौन सा सागर है आपका, सार्गासो सी, और ये कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है ये भी, और नॉर्थ अमेरिका के मैप में आप इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पे एटलस जरूर देख के जाइएगा, वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। तो आपने बहुत बार सुना होगा हॉर्स ड्यूड कहाँ पर आपका रहता है, तो हॉर्स ड्यूड आपका रहता है 30 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में। हॉर्स लैटिट्यूड वो क्षेत्र है जहाँ पर हवाएं क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली विंड ब्लो नहीं करती, ठीक है, रुकी हुई हवा का क्षेत्र है हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। और हॉर्स लैटिट्यूड इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एंशियंट टाइम में जब आपके पाल वाले जहाज हुआ करते थे, क्लोथ वाले जहाज हुआ करते थे, जिसमें क्लोथ में हवा पड़ने के साथ आपका मूव किया करते थे, जब वो इस एरिया में आपका पहुंचते थे, देखो ये जो जहाज थे ये बड़ी मात्रा में अच्छे घोड़े, अच्छे नस्ल के घोड़े आपके मोरक्को स्पेन वगैरह से लेकर आपका यूरोप आदि देशों में जहाज आपके जाते जा
जाया करते थे। और जब वो इस एरिया में पहुंचते थे तो इस एरिया में हवा ना चलने की वजह से जहाज जो था वो रुक जाता था, वाटर में, पानी में, समुद्र में रुक जाता था। तो क्या करते थे कि जो भी आपका कमज़ोर घोड़ा हुआ करता था, शिप का लोड कम करने के लिए उसको उठा के समुद्र में फेंक दिया करते थे। ठीक है, तो इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा है आपका, हॉर्स लैटिट्यूड इसका नाम आपका पड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेट स्ट्रीम कहाँ चलती हैं। ठीक है, तो जेट क्या है आपका, देखो जेट स्ट्रीम जो है ये आपकी सबसे निचली जो आपकी परत होती है इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में इस परत को कहा जाता है शोभ मंडल। तो जेट स्ट्रीम जो है ये शोभ मंडल की जो शोभ सीमा होती है, ट्रोपोपॉज होती है, वहाँ पर चलती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम बहुत तेज बहने वाली स्पायरल विंड है जिसकी जो एवरेज स्पीड हमने देखी है वो अराउंड 120 किलोमीटर पर आवर्स की होती है और मैक्सिमम स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर्स तक भी आपकी जाती है। ये बहुत तेज चलने वाली हवाएं हैं जिनके बहने की दिशा वेस्ट टू ईस्ट होती है। जेट स्ट्रीम जो आपकी फ्लो करती हैं कहाँ से कहाँ करती हैं आपके, पश्चिम से पूर्व की ओर फ्लो करती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर आपका बहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर की अपर लेयर को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रोपोपॉज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरोको किन्हें कहा जाता है। तो देखो सिरोको क्या है, आपकी हवाएं हैं, ये लोकल विंड है जो चलती है आपकी सहारा मरुस्थल से, जो सहारा आपका डेजर्ट है वहां से चलती है आपकी सिरोको पवने हैं। तो सिरोको क्या है, एक लोकल विंड है। अगला देखते हैं चिनूक क्या है, तो देखो चिनूक भी क्या है, एक लोकल विंड है जो कहाँ बहती है, नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर, आपके रॉकी माउंटेन्स पर बहती है। ठीक है, इसको स्नो ईटर भी कहा जाता है। हवाएं भी आपसे बहुत क्वेश्चन पूछी जाएंगी, ध्यान रखें, तो हवाओं को भी आप एक बार देख के जुड़ जाइएगा कौन सी विंड कहाँ ब्लो करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जो चिनूक है वो कहाँ चलती है आपकी, नॉर्थ अमेरिका में चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई ऑफ साइक्लोन हैज, जो साइक्लोन होता है, देखो साइक्लोन आई किसे कहते हैं, साइक्लोन का जो सेंटर वाला भाग होता है इसको हम साइक्लोन आई कहते हैं। ठीक है, और इसके चारों ओर से क्या चलती हैं आपकी, हवाएं चलती हैं। साइक्लोन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साइक्लोन की आई में प्रेशर कैसा रहता है, तो साइक्लोन की आई में हमेशा क्या रहता है आपका, लो प्रेशर रहता है। ये आप जानते ही होंगे, लो प्रेशर रहता है साइक्लोन की आई में। ठीक है, एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर एंड लोएस्ट प्रेशर इसका आंसर होगा। जो साइक्लोन की आई होती है, साइक्लोन की आँख जो होती है, साइक्लोन की आँख किसे कहते हैं, साइक्लोन आई किसे कहते हैं, साइक्लोन के सेंटर को। तो साइक्लोन के सेंटर में हमेशा टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो रहता है, इसीलिए ये जो बाहर क्या है हाई प्रेशर है और अंदर क्या है लो प्रेशर है, और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ओजोन इज लोकेटेड इन द एटमोस्फेरिक लेयर ऑफ, अधिकतर मात्रा में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो हम जानते हैं ओजोन परत कहाँ पाई जाती है आपकी, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद जो दूसरी लेयर है एटमोस्फेयर की, ये कौन सी आपकी, स्ट्रेटोस्फेयर है, और इसी लेयर में 20 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाई जाती है आपकी, ओजोन पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ मिलेगी ओजोन लेयर आपकी, स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल विंड दैट ब्लोज आउट फ्रॉम सर्बिया, साइबेरिया के मैदानों में चलने वाली ठंडी हवा कौन सी है। तो बुर्गा जो आपकी पवने हैं ये कहाँ चलती हैं आपकी, साइबेरिया में चलती हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन, इनमें से कौन सा बादल लगातार बारिश करने वाला बादल होता है। ठीक है, तो लगातार बारिश कौन से करते हैं आपके, क्यूमुलोनिम्बस करते हैं। ठीक है, लगातार बारिश कौन करते हैं आपके, लगातार बारिश की जाती है आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के द्वारा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following are not planetary wind? निम्न में से कौन सी planetary winds नहीं है। Planetary winds वो winds होती हैं जो पूरे साल भर बहती हैं और पूरे साल भर इनके बहने की दिशा जो direction रहता है वो same रहता है, that is high pressure to low pressure। अब इनमें से कौन सी एक हवा है जो planetary नहीं है, तो वो हवा है आपकी drainage wind। Drainage wind जो है आपकी planetary नहीं है, ये मौसम विशेष में आपकी बहती हैं, जबकि easterly, westerly और trade wind क्या है, पूरे वर्ष भर पृथ्वी पर बहने वाली हवाएँ हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सुनामी के संदर्भ में क्वेश्चन है, सुनामी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सुनामी वेव्स आर अंडर सी
occurrence of earthquake exceeding 7.5 on Richter scale, which one of the following statement regarding to this is not correct? सुनामी जो आपकी तरंगे हैं, सुनामी जो आपकी लहरें हैं, ये उस समय पैदा होती हैं जब समुद्रों के अंदर 7.5 रिक्टर स्केल का तीव्रता का भूकंप आपका आता है. उसके कारण कौन सी वेव्स पैदा होती हैं आपकी? सुनामी वेव्स पैदा होती हैं. सुनामी वेव्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, इट ऑफन जनरेट स्ट्रॉन्ग वेव्स. इसके कारण हमेशा बहुत ऊंची और मजबूत लहरों का आपका जन्म होता है. तो बिल्कुल सही, जब जब सुनामी आती है तो हम देखते हैं बहुत ऊंचाई तक आपकी वेव्स उठती हैं. द पैसिफिक कोस्ट आर मोस्ट वल्नरेबल टू सुनामी वेव्स. बिल्कुल सही, हमने पढ़ा है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ अवस्थित है आपका? पैसिफिक ओशन में. इसके अलावा जब हम वॉल्केनिक बेल्ट को पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं द पैसिफिक रिम, है ना, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? पैसिफिक बेल्ट, यानी कि विश्व के लगभग 66% जो आपके अर्थक्वेक्स आपके आते हैं ये कहाँ पर आते हैं? आपके पैसिफिक ओशन में आते हैं. तो जो पैसिफिक ओशन का कोस्ट है वो सुनामी के लिए क्या है? ज़्यादा वनरेबल है. तो बिल्कुल सही. उसके बाद है, सुनामी वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड हाई एनर्जी टाइडल वेव्स और सेस्मिक सी वेव्स. तो बिल्कुल सही, हाई एनर्जी टाइडल वेव्स भी इनको कहा जाता है और भूकंपीय लहरें भी इनको कहा जाता है, सेस्मिक वेव्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही भूकंप के कारण हुई है. इनकी जो ओरिजिन हुआ है वो सी में आने वाले सी क्वेक की वजह से हुआ है. तो बिल्कुल सही, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है. सुनामी इज़ अ लैटिन वर्ड, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है. सुनामी जो आपका शब्द है ये जापानीज का है, जापानीज भाषा का शब्द है सुनामी. तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा. चलिए, गल्फ स्ट्रीम के बारे में स्टेटमेंट है. जैसे मैंने आपसे कहा था कि गल्फ स्ट्रीम इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रीम है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, द गल्फ स्ट्रीम इज अ पोलवर्ड फॉलोइंग करंट इन द अटलांटिक ओशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड दिस इज नॉट करेक्ट. गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक उत्तर की ओर बहने वाली अटलांटिक ओशन की आपकी एक धारा है. इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम के बारे में सही नहीं है, ये आपने बताना है कि सही नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन है, इट इज सिमिलर टू द क्यूरोशिवा करंट इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन. यह उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाले क्यूरोशिवो करंट के समान है. तो बिल्कुल सही है, क्यूरोशिवो भी गल्फ स्ट्रीम की तरह जो है आपका वार्म करंट है, गर्म करंट है, और ये भी कहाँ फ्लो होता है आपके? उत्तर की ओर फ्लो होता है. तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है. उसके बाद है, इट ट्रांसपोर्ट वार्म ट्रॉपिकल वाटर टूवर्ड्स पोलर रीजन. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो यूरोप और पोल की तरफ क्या लेकर पहुँचती है? गर्म पानी लेकर पहुँचती है, और इसी कारण इसको ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? सही है. द करंट इज मेजर फैक्टर इन वेदर अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए. जो आपका ये जलधारा है वो यूएसए के ईस्ट क्षेत्र में आपके मौसम को भी प्रभावित करती है. तो बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था कि जो धाराएं हैं वो मौसम को भी प्रभावित करती हैं. द वार्म वाटर ऑफ द गल्फ स्ट्रीम सस्टेन्स द कोरल रीफ्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट. जो आपका गर्म पानी है इस गल्फ स्ट्रीम का, वो कोरल रीफ्स को बचाता है पैसिफिक में. तो हमने देखा है कि ये गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है? अटलांटिक में बहती है. तो पैसिफिक कोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत है. तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था. ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है. तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाता है आपका? डी हो जाता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? डी. चलिए, ट्रेंच से क्वेश्चन आ गया. मेरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द ओशन फ्लोर ऑफ. जो मेरियाना ट्रेंच है वो किसके ओशनिक फ्लोर पर आपका है? तो देखो, मेरियाना ट्रेंच जो है ये फिलीपींस के ईस्ट में है. ठीक है, यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में. वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में क्या है? मेरियाना ट्रेंच है. मेरियाना ट्रेंच जो है ये वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है. वर्ल्ड का क्या है? सबसे डीपेस्ट पॉइंट है. ट्रेंच क्या होती है? समुद्र के जो रिलीफ बेसिन हमने पढ़ा था उसमें जो कई किलोमीटर लंबी खाइयां जो होती है ओशन रिलीफ ओशन बेसिन के नीचे, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेंच कहते हैं. ध्यान रखें कि मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा ट्रेंच है, और इस गहरे ट्रेंच में भी जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं चैलेंजर डीप. ठीक है जी,
मेरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, और इस डीपेस्ट ट्रेंच का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? आपका चैलेंजर डीप है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? आपके फिलीपींस के ईस्ट में है, और आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ जोन ऑफ शार्प सैलिनिटी चेंज इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ओशन। वो कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हम देखते हैं कि समुद्रों में जो खारापन है, लवणता है, उसकी परसेंटेज बहुत शार्पली डिक्लाइन करती है। तो ये लेयर हम किसको कहते हैं? ये लेयर कहते हैं हम थर्मोसलाइन लेयर को। ये जो लेयर है, ये कौन सी लेयर है आपकी? थर्मोसलाइन लेयर है, ठीक है। थर्मोसलाइन लेयर जो है ये आपकी सेकेंड लेयर है। पहली जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं इपलीमेनियन लेयर। पहले जो आपकी लेयर है इपलीमेनियन लेयर है, ये वो लेयर है जहाँ पर आपका सॉल्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके नीचे जो आपकी लेयर होती है इसको हम कहते हैं थर्मोकोलाइन लेयर, ठीक है जी। इसके नीचे जो आपकी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोकोलाइन लेयर कहते हैं। और ऐसी लेयर जहाँ पर सैलिनिटी बहुत कम पाई जाती है उसको हम कहते हैं हाइपोमीनियन लेयर, ठीक है जी। तो समुद्र में सैलिनिटी से आपकी जुड़ी हुई, ठीक है, समुद्र में लवणता से जुड़ी हुई तीन परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली परत जो सबसे ऊपरी परत होती है समुद्र की, वो होती है एप्लीमिनियन लेयर, उसके बाद होती है थर्मोसलाइन लेयर, उसके बाद होती है हाइपोमीनियन लेयर। अब ध्यान रखेंगे कि हर समुद्र में ये लेयरें तो पाई जाएंगी, लेकिन ऐसे एरियाज जहाँ सैलिनिटी कम होती है, आप ये देखें कि अगर मैं इसको चलिए थोड़ा परसेंटेज पे देखते हैं इसको ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एप्लीमिनियन लेयर है जहाँ पे सॉल्ट का परसेंटेज किसी भी समुद्र में 100% होता है। यानी कि मान लीजिए कोई समुद्र 38% खारा है, तो वो सबसे ज़्यादा खारा कहाँ पर होगा? एप्लीमिनियन लेयर पे होगा। थर्मोसलाइन लेयर एप्लीमिनियन लेयर के नीचे, ये मान लीजिए ये समुद्र है ना, ये क्या है आपका? समुद्र है। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? एप्लीमिनियन होगी, ठीक है। इसके नीचे जहां पर लवणता घटेगी, जहां पर सैलिनिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, वो कौन सी होगी आपकी? थर्मोकोलाइन लेयर। और जहां पर लवणता बहुत कम होगी वो कौन सी होगी आपकी? हाइपोलोमीनियन लेयर, ठीक है। तो लवणता के आधार पर समुद्रों को तीन लेयर्स में बांटा जाता है, एप्लीमिनियन, थर्मोसलाइन और हाइपोलिमिनियन लेयर। पर ध्यान रखें, ऐसे एरियाज जहां पर ठंड ज्यादा होती है, यानी कि पोल्स के रीजन में हाइपोलिमिनियन लेयर काफी ऊपर पाई जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर लगातार जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से फ्रेश वाटर समुद्रों में आता रहता है, जिसकी वजह से ध्रुवों पर समुद्रों में खारापन या ओशंस में सैलिनिटी कम देखने को मिलती है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हाइपोमीडियन लेयर काफ़ी ऊपर पाई जाती है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। सो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों से आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। जितने भी क्वेश्चन हमने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं या उस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, तो प्लीज़ एक बार इन क्वेश्चंस पर, और जैसा कि मैंने आपको डायरेक्शन दिया है कि एक बार एटलस ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि आपको एटलस से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे भी क्लासेस के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे, और बहुत जल्दी ही यहाँ से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।